हाँ तो मैडम जी, मैं ये कह रहा था कि आपकी जान पहचान में कोई ऐसा बंदा बंदी है जिसे सरकारी या प्राइवेट नौकरी चाहिए हो, या फिर उम्र निकल गई हो, या फिर नौकरी ना मिल रही हो, हमारे पास लगी सब हो जाएगा। अब शिवानी को ही ले लीजिए। इसका तो हमने नकली आईडी कार्ड भी बना दिया है ताकि सरकारी नौकरी मिल सके। उम्र भी 4 साल कम करवाई है हमने ताकि बाद में नौकरी मिलने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा जन्म दे दिया है आपकी बेटी को हमने। क्या दिया है? दूसरा जन्म। टच वुड। वैसे ये दूसरे डब्बे में क्या है? मिठाई है भाई साहब। अब देखिए ना भाई साहब, इसने नौकरी अभी ज्वाइन भी नहीं की है और अभी से इसे बहुत अच्छा कॉन्स्टेबल लड़का भी मिल गया। अरे वाह, क्या बात है। अब थोड़े दिनों में ये पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेगी, उसके बाद शादी और लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। और किसी को भी नौकरी वोकरी चाहिए हो तो हमारे पास लेके आइए, 5% आपको भी दे दूंगा कमीशन। कितने? 5%। लेकिन नहीं चाहिए भाई साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने शिवानी के लिए इतना सब कुछ किया, वही हमारे लिए काफी है। धन्यवाद भाई साहब। जी जी जी, जी चलते। मम्मा सुनो। सुनो क्या? चीता के थाने से कुछ लोग आ सकते हैं पूछताछ के लिए। होगा तो कुछ नहीं, होगी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी। फिर भी हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। हम सिर्फ वही बोलेंगे जो हम लोगों ने तय किया है, ताकि मामला जल्द से जल्द दब जाए। बेटा तू चिंता क्यों करती है? हुँ? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। हुँ? अरे मम्मा चलो यार। टच वुड। अरे आप लोग जी, वो केस के बारे में थोड़ा पूछताछ करना था इसलिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए अंदर आइए, बैठे प्लीज। मम्मी मम्मी, ये मेरी मम्मी है सरोज। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। बैठे ना। बहुत अच्छा लगा जान के कि आपकी बेटी निधि पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं नहीं निधि नहीं, ये शिवानी है। हाँ शिवानी, शिवानी है शिवानी। सुनिए ना जी, थोड़ा खिसकिए ना। का? का, का, का हम खड़े हैं ना, हमको भी बैठना है, थोड़ा खिसकिए। हाँ तो वहाँ जाके बैठिए ना पुष्पा जी। नहीं आप सर। हाँ तो केस तो आपको पता ही है का है, कि एक व्यापारी है, उसका कहना है कि आप, उसका ये कहना है कि उसकी जो ज्वेलरी शॉप थी वो। पुष्पा जी आप पहले बैठ जाइए, फिर हम बात करेंगे। हाँ बैठ रहे, बैठ। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि एक व्यापारी है, उसका कहना है कि ये शिवानी नहीं निधि है, और 2 साल पहले ये उनकी ज्वेलरी शॉप में गई थी और वहां से ज्वेलरी चुरा के भागी थी। हाँ मुझे शिवानी ने बताया था कि लेकिन ये शिवानी ही है, निधि नहीं है। टच वुड। नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है माता जी, आप झूठ काहे बोल रही हैं। नहीं मतलब सच क्यों नहीं मान लेती? क्या है ना कि अगर कल को ये साबित हो गया कि ये झूठ बोल रही है, फिर जो इसका सपना है पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का वो नहीं हो पाएगा कभी। अरे ये आप नहीं दे, आप हमारी पहले बात सुन लीजिए। क्या होता है ना, किसी पे कोई भी केस होता है तो वो कैंडिडेट पुलिस फोर्स में आजीवन अयोग्य करार किया जाता है, वो फिर कभी पुलिस फोर्स कभी ज्वाइन नहीं कर सकता। और क्या है, हमने आगे पीछे पता भी किया, आपके आस पड़ोस से पूछा भी, वो भी यही कह रहे हैं कि यही निधि है, और हमारे पास गवाह भी है गवाही देने के लिए कि ये निधि है। और तो अब आप ये बात खुद कबूल करेंगे या फिर हम इसे गिरफ्तार करके लेके जाएं और फिर कोर्ट में साबित करें कि असल में ये कौन है? आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बता देती हूँ, ये शिवानी ही है, निधि शिवानी की बहन थी, उसकी हमशक्ल। एक सेकेंड, थी मतलब? मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। निधि और शिवानी हमशक्ल बहनें थी, और फिर पिछले साल उसे एक ऐसे लड़के से प्यार हुआ जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते थे कि वो लड़का गलत है,
और उसे धोखा दे रहा है। हमने निधि को समझाने की बहुत कोशिश की, ये शादी रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं, निधि नहीं मानी। बाद में जब उसे पता चला कि वो लड़का सच में गलत है और उसे धोखा दे रहा है, तो ये बात हमारी निधि बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने आत्महत्या कर ली। ये उसका वीडियो देख लीजिए, ये देख लीजिए। चल रहे मामा, मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे रही हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई, पर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ। बाय। एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है माता जी, कि बाहर जितने लोगों से हमने पूछा है सब निधि को जानते हैं, लेकिन शिवानी को कोई नहीं जानता, ये क्या चक्कर है? हमारी निधि बहुत सोशल थी ना, सबके टच में रहती थी, और शिवानी थोड़ी रिजर्व है, किसी से बात नहीं करती है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी दो बेटियां थी। वो तो यही समझते है कि निधि हमारी इकलौती बेटी थी। ठीक है पुष्पा जी, संतोष जी, मैडम, निधि से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स आईडी है सब लेकर आइए, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। जी जी मैडम। ठीक है चलते हैं। आपके पास जितने भी कागजात हैं आप हमें दे दीजिए। मैडम जी, अरे अरे, अरे। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कमरे में जाके कर सकते हैं? हाँ चलिए आइए ना। पुष्पा जी मैं आती हूँ, आप यहीं पे रहिए। आइए ना आंटी जी, आइए आइए। हाँ हाँ बोलिए ना। मैं कह रही थी कि आपकी बेटी की शादी आप ये लड़के से कराने हैं, चिता चतुर्वेदी से? टचवुड। टचवुड हरगिज मत कराइएगा, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रही हो? लीचड़ है एक नंबर का। घटिया तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड है इसके कैरेक्टर के सामने, बहुत ही थर्ड क्लास आदमी है। ऐसी क्या खराबी है इसमें? खराबियों का ब्रांड एम्बेसडर है ये, जितना पैसा कमाता है ना सब पीने में उड़ा देता है। हे भगवान, ऐसा लड़का है, शराब पीता है। आपको पता है आंटी जी, काम चोर है एक नंबर का। हाँ और तो और आपको पता है क्या कहता है? कहता है कि अगर कमाने वाली बीवी आ जाए ना तो अपनी नौकरी छोड़ देगा, कमाने वाली बीवी के पैसों पर ऐश करेगा। नहीं चचू, नहीं रहने दो। अच्छा तो ये है कमरा, बहुत बढ़िया। किसका है? जी मेरा है। हाँ शिवानी मैं चल रही हूँ। ठीक है हाँ, थैंक यू बाय। शिवानी हम भी चलते हैं। मम्मी क्या हुआ? लड़के में तो बहुत खराबी निकली, तू तो बाल बाल बच गई बेटी। करिश्मा सिंह, हमने आपको पता लगाने के लिए कहा था कि वो कौन है जो जबरदस्ती डीएसपी सर को यहाँ थाने से मिस कॉल दे रहा है, कुछ पता चला? नहीं मैडम सर, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जल्दी पता लगाएंगे कौन टोपा इंसान है जो इतना फालतू टाइम है कि मिस कॉल मारने का। फिलहाल हमको लगता है मैडम सर शिवानी का केस जो है वो रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि केस है दो हमशक्ल बहनों का। अमित को लगता है कि जो शिवानी है वो निधि है, जबकि निधि मर चुकी है, तो केस काफी क्लियर है, कुछ खींचने का मतलब नहीं है केस को। तजुर्बा कहता है हमारा, झूठ का लिबास कितना ही शानदार क्यों ना हो, सच के आईने के सामने आके उसकी असलियत खुल ही जाती है। हमें नहीं लगता कि ये केस खत्म हुआ है, हमें लगता है कि ये केस अब ठीक से शुरू होगा। ये तस्वीर वो नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है, कुछ तो टुकड़े बाकी हैं। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर। आइए, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक शिवानी निधि से 4 साल छोटी है। का? Exactly. ऐसी कौन सी हमशक्ल बहनें होती है जिनके बीच 4 साल का एज डिफरेंस हो? कुछ तो है इस केस के बारे में जो हमें अब तक पता नहीं चला है। हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हमने सोचा ही नहीं इस तरफ से। सॉरी मैडम सर, आप बताइए अब आपके दिमाग में क्या है, आप क्या सोच रही हैं? वही जो हम हमेशा करते हैं, सच का पता लगाना और उसे दुनिया के सामने लाना। हम पता लगाएंगे कि इस समंदर में कितने राज छुपे हैं।
हाँ जी, तो कृपया करके सब ध्यान से हमारा बात सुने यहाँ पे। कोई टोपा इंसान है जिसके पास इतना फालतू टाइम है कि वो डीएसपी सर को बार बार लगातार यहाँ से मिस कॉल मार रहा है। हम जानना चाहते हैं कि कौन वो टोपा इंसान है जो हमारे थाने का प्रॉपर्टी का मिस यूज कर कर अपना टाइम पास कर रहा है। कौन है वो टोपा इंसान? सॉरी, मैं? अब मेरी तरफ क्या दिख रही है? मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ किसी दम डीएसपी सर से पंगा लूं। और मेरा बिल्लू निवास मुझे बहुत ही प्यारा है। इधर इधर, इन दोनों में से होगा, इनके पास बहुत फालतू टाइम है। बिल्ले नहीं, जो कोई भी है हमारे सामने अपने आप आ जाए, क्योंकि है कि हम अगर खोज के निकालेंगे ना तो उसके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बता रहे, आपस में सुलटा लेते हैं मामले को, अपने आप हमारे सामने आ जाइए, हम नहीं बताएंगे मैडम सर को। का पुष्पा जी? हाँ। का क्या? नहीं, एक जगह खड़ी रह सकती है ना, बरसाती मेंढक की तरह काय रेंग रही हैं आप? यहाँ खड़ी रहिए ना आप। कैसे आ गए यहाँ? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। हमें लगता है कि ये शिवानी है जो निधि बनने का नाटक कर रही है। वो असलियत में निधि ही है और खामखा हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि ये हम शक्ल वाली फिल्मों जैसे ड्रामे करके वो हमें बरगला लेगी, लेकिन हमें सच तक पहुंचना होगा और ये काम करिश्मा सिंह आप करेंगी और आपके साथ साथ चीता आपकी मदद करेगा। वो इसलिए कि... एक मिनट, चीता चतुर्वेदी है कहाँ? मैडम सर आ गए। मैडम सर आ गया। थोड़ा धीरे धीरे आ रहे थे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। नहीं मैडम सर, कल तक हम ठीक हो गए थे। कल तक ठीक हो गए थे मैडम सर। नहाते समय हम भूल गए कि हमारा हाथ टूटा हुआ, इसी हाथ का सहारा लेकर उठे, फिर गिर गए, फिर सहीसा हो गया पैर हमारा मैडम सर। लेकिन मैडम सर, हम और करिश्मा मैडम क्या कुछ? हम कह रहे थे कि तुम इसलिए मदद करोगी क्योंकि शिवानी के घर वालों को तुम पसंद हो, उसे तुम पसंद हो, तुम्हारी शादी की बातें चल रही है, तो फिर। थी मैडम सर, बात चल रही थी। क्या? हाँ। क्यों? पता है, कोई फोन करके शिवानी के माई को हमारे बारे में इतना खराब बोला है ना, क्या बताएं, इतना ज्यादा खराब कि अब तो उसके घर वाले अपने रिश्तेदार में हमारा फोटो दिखाकर सबको डरा रहे हैं। और इस हादसे के बाद से शादी तो दूर का बात है मैडम सर, वो लोग तो हमारा शकल भी देखना नहीं चाहता है, क्या बताएं। अच्छा, क्या कहा किसी ने? कहा है कि हम, यानी कि चीता चतुर्वेदी, हम कमीना है, लालची है, लीचड़ है, गधा है, फालतू है, थर्ड क्लास है, वाहियात है, चीप है, हमारे पर थू है। करेक्ट। ए मारन। लेकिन एक बात बता, एक बात बताओ, तुम शिवानी के केस के लिए ये सब कर रहे हो, ये बात तो सिर्फ हम थाने के लोगों को पता थी, तो फिर ये काम करेगा कौन? एनीवेज, हम इस बात का तो पता लगा ही लेंगे। करिश्मा सिंह, आपकी बहन कब तक आ रही है? बहन? 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 हाँ बहन, बस एक आध घंटे में मैडम सर आ जाएगी। कुंवारी आएगी? करिश्मा सिंह, मेक श्योर कि सबको पता चल जाए कि वो आपकी बहन है। जी। इनकी तो कोई बहन ही नहीं थी, ये बहन कब पैदा हुई? अभी एक दो घंटे में जब आएगी तो आप सबको पता चल ही जाएगा। इनकी बहन बिल्कुल इनकी तरह है, हूबहू हमशक्ल, और अब वही ये केस सॉल्व करेगी। हमशक्ल? मैडम सर, मैडम, 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 हम काहे रेंग रहे हो? जब नहीं चला जा रहा है तो खड़े रहो एक जगह ना। मैडम, हम शकल बहन के बारे में पूछने के लिए चले आए। हम शकल बहन जो है, ये सब क्या हो रहा है मैडम? हाँ, आपकी बहन, ये कब पैदा हुई? मतलब हमें तो पता नहीं था, लल्ला को भी पता नहीं होगा ना। अम्मा सुनिए हमारा बात, मैडम सर के दिमाग में कुछ आइडिया आया, आप सब आगे आइए, सुनिए हमारा बात। हाँ मैडम, बोलिए। समझ गए सबकी सब? समझ गए जी। समझ गए सब? हाँ जी। सुनिए, फालतू में ना कोई फैलना नहीं चाहिए। और आप पुष्पा जी, हाँ, आपका जो असाधारण अभिनय प्रतिभा ना, जो कभी कभी फ्लो फ्लो में फूट के ओवर एक्टिंग बन जाता है, उस पर थोड़ा काबू रखिएगा। हम कहाँ करते हैं ओवर एक्टिंग? हाँ, हो जाता है। अब हम शक्ल ही सुलझाएगी इन हम शक्ल बहनों का केस। चलिए सब काम पे लगते हैं। काम तमाम हो गए हैं। कहाँ लेके जा रही हूँ? आओ तो सही। दर्शन करने ऐसे बोल रही हूँ। यहाँ हो गया, हो गया, हो गया। देखो संतू, मिस कॉल वाला राज राज रहना चाहिए।
रहेगा। अगर शिवानी की माँ को भड़काने वाला राज राज रहा तो रहेगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि शिवानी की माँ को तुमने भड़काया था। हाँ तो किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि डीएसपी सर को बार बार मिस कॉल आप दे रही थी। पता, पता। दोस्त, दोस्त। हंगी, हंगी। बदनाम। चलो हम दोनों को बढ़िया सी चाय पिलाओ। बढ़िया सी चाय। बैठिए पुष्पा जी, आपको दे रहा मैं बदनाम स्पेशल। संतु, तुम कह रहे थे मिस कॉल देने वाला जो आइडिया है। ओ पुष्पा जी, कौन सा मिस कॉल? वो हम किसी एक केस के सिलसिले में बात कर रहे हैं। तुम चाय बनाओ ना, जाओ। आ जाता है बीच में। धीरे धीरे धीरे। अरे 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 अरे, पप्पी लोगी क्या हमारी? जी पुष्पा जी, नहीं। हाँ तो थोड़ा पीछे। तुम कह रही थी ये मिस कॉल देने वाला जो हमारा आइडिया है वो बहुत ही पुराना है, बकवास है, वो काम नहीं करेगा। हाँ तो फिर तुम्हारे पास भी कोई आइडिया है ना जो उन दोनों को करीब लाए? पुष्पा जी, चाय में अदरक डालो, माँ कसम बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है ठीक है, डालो डालो डालो। है आइडिया ना? हाँ तो बताओ ना। अरे अरे, अरे भाई हटा 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 हटा। अम्मा बॉक का उखिया दिखाई नहीं दे रहा, इतना बड़ा गाड़ी आ रहा है यहाँ से। अरे क्या किया, दिखता नहीं क्या? मेरा ठेला तोड़ दिया। ए, किसको बोल रहा है? करिश्मा मैडम है वो, बहुत मारती है, बदनाम से पूछ। अम्मा बौको क्या तुम, दिखाई नहीं दे रहा इतना बड़ा गाड़ी चलकर आ रहा है। हाँ ठुक गया ना अभी, जानते हम कौन है? हम करिश्मा सिंह की बहन रवीना है। हाँ आपकी बहू है पुष्पा जी। शक्ल और भौकाल में ना एकदम सेम टू सेम, का समझे? हमने सिखाया भी नहीं। हमारे दिमाग का कनेक्शन टूटता है ना तो सामने वाले की लाइफ का कनेक्शन टूट जाता है, का समझे? पूरा लखनऊ जानता है कि हम और करिश्मा दीदी एक ही कुंडली में पैदा हुए हैं, इसलिए हमारी राशि वो भी एकदम सेम टू सेम है। कौन सी राशि? सिंह राशि, का समझे? सिंह राशि। हाँ ये बिलोटे, हाँ करिश्मा मैडम जितना बढ़िया एक्टिंग कर रही हैं बिल्कुल नहीं पकड़ाएंगे कि करिश्मा मैडम ही रवीना है। रवीना? अरे रवीना आई है, देखो तो चांद का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा। अब पुष्पा जी की ओवर एक्टिंग की वजह से पकड़ में आएंगे। कितनी सुंदर लग रही है, बहुत बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। पहचाना पहचाना? क्या पुष्पा जी, इसमें पहचानना क्या, खुद तो बोल रही करिश्मा सिंह की बहन रवीना है वो। मतलब ये कि चेहरा चेहरा तो देखो किसी का, एकदम करिश्मा मैडम की तरह है ना, डिट्टो सेम टू सेम होगा ही ना। करिश्मा जी की बहन जो है 4 साल छोटी। बहुरानी करिश्मा जी, देखो तो कौन आया। देखो क्या हो रहा है ये सब, ये सब क्या है? छोड़ो छोड़ो मैडम सर, देखिए तो कौन आया, करिश्मा जी की छोटी बहन रवीना। हाँ हाँ पुष्पा जी, हम समझ गए, ये सब इन्होंने किया है। हाँ अमन, हाँ ठीक है, तो फिर आप किसी की भी बहन हो आप फिलहाल एक गुनहगार हैं। इन्होंने इस आदमी का ठेला तोड़ दिया और न जाने कितने का नुकसान कर दिया, इसलिए इसकी सजा मिलेगी। संतोष शर्मा गिरफ्तार करो इसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.